हमारी कहानी का शीर्षक है चिड़िया। सबसे पहले तो हम बताएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, जब हमें पढ़ाना होता है उसके चित्र दिखाएंगे। पहले उनसे पूछेंगे कि इन चित्र में उनको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बच्चों को कहानी नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उनको चित्र दिखाएंगे, ठीक है। उनको अनुमान लगाने के मौके देंगे, उनको उनकी अभिव्यक्ति प्रकट करने के मौके देंगे। जैसे कि ये एक बिल्ली है और ये एक चिड़िया है, तो ये क्या कर रही है, ठीक है। उसके बाद कि यहाँ पर चिड़िया क्या कर रही है, आप सब में से मान लो आप छोटे बच्चे हो, तो मैं आपसे पूछने लगूँ, मैम बताइए यहाँ पे चिड़िया क्या कर रही है, यहाँ पर ये चिड़िया क्या कर रही है मैम? पानी में तैर रही है। पानी में, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा तैर रही है, हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि तैर रही है, कुछ बच्चे बोलेंगे डूब रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मैम बताएगी, कोई भी बच्चा, मतलब आप बच्चे ये समझिए कौन बताएगा। हाँ, यहाँ बिल्ली आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि वो जो चिड़िया है वो बाहर निकल गई है और बिल्ली उसको देख रही है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर बिल्ली सो रही है और चिड़िया क्या हो रही है, उड़ रही है। तो अब हम बच्चों ने बता दिया कि ये क्या कर रहे हैं और स्टोरी को वो कनेक्ट करेंगे। फिर हम उनको कहानी पढ़ कर सुनाएंगे, जैसे कि हम सब बता सकते हैं धीरे धीरे उनको कि एक चिड़िया तालाब में पानी पीने गई। तो यहाँ पर क्या थी, चिड़िया थी और वो क्या करने गई, पानी पीने गई। पानी पीते समय वह तालाब में गिर गई। यहाँ पर क्या हुआ, वो तालाब में गिर गई। तभी वहाँ एक बिल्ली आई। यहाँ पर एक क्या दिखाई दी है, बिल्ली आई। चिड़िया ने बिल्ली से मदद मांगी। ये जो चिड़िया है यहाँ पर क्या कर रही है, बिल्ली से मदद मांग रही है। बिल्ली ने कहा ठीक है मगर मैं तुम्हें खाऊंगी। तो उन्होंने क्या कहा, चिड़िया ने कहा ठीक है आप मुझे निकाल दो और मैं क्या करूंगी, आपको खाऊंगी। सॉरी, बिल्ली ने कहा, चिड़िया ने कहा हाँ खा लेना। फिर उसके बाद यह सुनकर बिल्ली ने चिड़िया को तालाब से बाहर निकाला। ये बात सुनकर बिल्ली ने क्या किया, चिड़िया को बाहर निकाला। बिल्ली बोली अब मैं तुम्हें खा लूं। चिड़िया ने कहा मुर्गी सूख जाने दो, मुझे सूख जाने दो फिर खाना। तो उसने चिड़िया ने क्या कहा कि मेरे को सूख जाने दो फिर मुझे खा लेना, अभी तो मैं गीली हो रखी हूँ। बिल्ली इंतजार करते करते सो गई। यहाँ क्या कर रही है, बिल्ली इंतजार करते करते सो गई। चिड़िया सूख कर फिर से उड़ गई। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हम बच्चों को बाद में पूछेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। अगर हम कठिन समय में अपनी बुद्धि का और अपनी समझ का प्रयोग करते हैं तो हम कठिन समय से बाहर आ सकते हैं।